मुजफ्फरपुर पुलिस ने ट्रक की चोरी करने वाले एक अंतर जिला गिरोह के आधा दर्जन सदस्य पुलिस के चढ़े हाथ थे। महज 24 घंटे में चोरी किए गए झारखंड की ट्रक को किया गया है बरामद। कबाड़ की दुकान में चल रहा था चोरी की ट्रक खरीद बिक्री का खेल। DSP वेस्ट अभिषेक आनंद ने दिया जानकारी। पकड़े गए आरोपी पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चोरी के ट्रक को ठिकाना लगाने वाले गिरोह के 6 सदस्य को पकड़ा है, जिसके द्वारा बीते दिनों झारखंड नंबर की एक ट्रक की चोरी करके उसको बेचने की फिराक में थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्वी चंपारण जिले के अलग अलग जगहों से छापेमारी कर किया है गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि चोरी की ट्रकों को लेकर के यह गिरोह एक कबाड़ की दुकान में रखने का काम करते थे, जहां पर ट्रक की बिक्री और बेचने करने वाले लोग आकर इस धंधे को चलाने का काम करते थे। इस मामले में पुलिस की बनाई गई एक विशेष टीम ने रेड कर 6 लोगों को पकड़ा है, जिससे किए गए पूछताछ में इनके द्वारा किए जाने वाले ट्रक को की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जाने की बात स्वीकार की गई है। इस मामले में पुलिस टीम ने महज 24 घंटे के अंदर चोरी की गए झारखंड नंबर की ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए DSP वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र से एक झारखंड नंबर की ट्रक चोरी की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मानवीय और तकनीकी जांच में ट्रक का लोकेशन लिया और फिर इस चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 लोग को चोरी के ट्रक के साथ पकड़ा गया है। चोरी किए गए ट्रक को एक कबाड़ की दुकान में रख कर इस धंधे को चला रहे थे। इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। 17/6/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक चोरी की घटना घटित हुई, जिसको लेकर 18 तारीख को एक FIR रजिस्टर हुआ। FIR रजिस्टर के होने के तुरंत बाद वहां के थानाध्यक्ष श्री संजीव सिंह के द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और उसी दौरान कांटी थाना में ही एक टीम बनाई गई, जो जिस टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्य संकलन करने का काम किया। इस टीम में खुद श्री संजीव कुमार सिंह थे, उनके साथ राजा सिंह और रामू रविदास और उनका समस्त बल और था। इन लोगों ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन किया और उस साक्ष्य संकलन के करते करते इनको कल दोपहर को इनके द्वारा पिपरा थाना, जो कि मोतिहारी में पड़ता है, वहाँ पे जाकर एक आदमी से पूछताछ की गई, रेड किया गया, जहाँ पे इनके द्वारा गिरफ्तारी की गई। उस आदमी का नाम महेश है। उस आदमी से कि वो आदमी जो है कबाड़ी का काम करता है, उसके जब जो जहाँ वो था उसके कारखाने को जब चेक किया गया तो वहाँ पे यही जो ट्रक झारखंड नंबर का जो ट्रक चोरी हुआ था वो ट्रक वहीं से बरामद हुआ। उसे बरामद करने के बाद पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इस पूरे घटना में उसके साथ कई और लोग शामिल हैं, जिसमें उसी के थाना क्षेत्र के 2 लड़के थे और एक लड़का था और कुछ लड़के चकिया के थे और कुछ तुरकौलिया के थे। ये इन लड़कों ने लगभग 270,000-275,000 में ये जो ट्रक को चोरी की गई है, उस ट्रक को खरीदने की बात की थी इन लोगों ने। और इसको चुराने वाले में 3 लोग और थे, जिनका नाम क्रमशः शशि है और संजन पांडे है और राजेश है। इन 3 लोगों के द्वारा जो ट्रक चोरी की घटना की गई, ये लोगों ने ट्रक चुराया और इस ट्रक को इन लोगों ने जो ये पकड़ाए महेश और इनके साथ निशानदेही पे जो 4 लोग और पकड़ाए, उन सब द्वारा के द्वारा 270,000 में खरीदा गया, जिसके लिए इनके द्वारा पैसे भी जुटाए गए थे आपस में, ताकि ये लोग उस वक्त ही इसका पेमेंट कर सकें और ये ट्रक ले सकें। फिर इनको जब थाने पर लाया गया और पूछताछ की गई तो दोबारा कांटी थाना के द्वारा रेड किया गया और उस दौरान शशि राय नाम का आदमी भी पकड़ाया, जो ट्रक चोरी करने में संजन पांडे और एक अन्य अभियुक्त के साथ शामिल था। इस प्रकार इस पूरे घटना के दौरान कांटी थाना के द्वारा 6 गिरफ्तारी की गई और उस ट्रक को बरामद किया गया और कुछ मोबाइल फ़ोन भी मिले। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और कुछ लोग इसमें भी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए हम लोग टीम बनाए हुए और इस पर काम जारी रहेगा। इसके अभी तक जो निकल के आया, जो हमारे इनिशियल पूछताछ वगैरह में आया, उसमें यही है कि इसमें संजन पांडे, शशि राय और 1-2 लोग और हैं जो लोग मेनली ट्रक चुराने का काम करते हैं। फिर वहाँ से ये लोग के अपने अपने अलग अलग जगहों पर इनकी बातचीत है, अलग अलग जिलों में या कहिए अलग अलग जिलों के लोगों से जिनसे ये बात करके रखते हैं और ये अपना उस हिसाब से ट्रक को बेच देते हैं और उस ट्रक को बेचने तक का इनका काम है। उसके बाद जब वो ट्रक बिक गया तो उसे खपाने का, चाहे उसे कबाड़ी को बेचे चाहे उसे रिमॉडल करके बेचे, इसका काम जो दूसरी टीम थी वो कर रही थी। तो इस प्रकार दोनों टीम से हमने गिरफ्तारियाँ की। ट्रक बरामद कर ली गई। जी, ट्रक बरामद, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इन कांटी थाना के द्वारा जब रेड किया गया और पूछताछ की गई तो उस दौरान जो महेश जो पकड़ाया
वो कबाड़ी का काम करता, उसी के कारखाने, उसका जो एरिया था उसी में हमें वो ट्रक मिला। और उसी ट्रक के मिलने के बाद जब हमने इंजन चेचिस नंबर वगैरह मिला लिया, उसके बाद हमने जब पूछताछ की तो उनके द्वारा बाकी जो अभियुक्त शामिल थे उनके बारे में बताया गया कि कुछ लोगों ने पैसे की व्यवस्था की, कुछ लोगों ने बातचीत किया, और ये लोग फिर जो ट्रक बेचने वाला गैंग था उसके साथ संलिप्त थे, और इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया।